हेलो दोस्तों, अब हम हैं इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट माय गवर्नमेंट मेरी सरकार पे, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है ICWA एसे राइटिंग कंपटीशन 2018। हाँ, अगर आपकी एज 15 टू 18 है, मतलब कि आप स्कूल या 10th 12th में पढ़ रहे हैं, या आपकी एज 18 टू 25, मतलब अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है, तो ये कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस कंपटीशन में भाग लें, क्योंकि ऐसे कंपटीशन में भाग लेना एक आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कहा जाता है, और इसका आपको बेनिफिट आपके फ्यूचर में भी होगा। तो एक्चुअली ये है क्या, तो जो इंडियन गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, तो उसका जो एक पार्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, उसके तहत जो है ये कंपटीशन रखा गया है, जो है ICWA एसे राइटिंग कंपटीशन 2018। तो इस कंपटीशन के लिए आपको एसे लिखने होंगे। तो इसके जो दो पार्ट्स हैं, एक जूनियर लेवल और एक सीनियर लेवल। तो जूनियर लेवल के लिए टॉपिक है व्हाई क्लाइमेट चेंजेस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, एंड फॉर सीनियर लेवल टॉपिक का नाम है इज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर आवर डेवलपमेंट। अभी आप चाहते तो होंगे कि इस कंपटीशन में भाग लिया जाए, इस कंपटीशन के थ्रू आप ये प्राइस भी आप जीत सकते हैं, जैसे कि जूनियर लेवल के 15,000 फर्स्ट प्राइज़ है एंड सीनियर लेवल के 25,000। अगर आप इस कंपटीशन में भाग लेते हैं और जीत भी जाते हैं, तो इट्स रियली अ वेरी गुड यू नो पॉइंट इन योर करिकुलम वाइड। बट आपको क्वेश्चन होगा कि ऐसे इससे जो है, क्योंकि ये आपके रेगुलर रीडिंग या बुक स्टडी में तो ऐसे टॉपिक नहीं है, तो इसके ऊपर लिखा कैसे जाए। तो मैं आपको इसके लिए एक सोर्स बता देता हूँ कि व्हाई क्लाइमेट चेंज इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। देखिए, हाल ही में इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे ऐसे इंटर कंट्री जो मीटिंग्स होते हैं, जैसे कि पेरिस क्लाइमेट का एक मीटिंग हुआ था, उसके बारे में आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, जिसके बारे में आपको जो कॉमन इंफॉर्मेशन है कि मतलब कि क्या समस्या है जिसकी वजह से आज की क्लाइमेट ऐसी है और हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे आर्टिकल आपको जो एक बहुत ही बढ़िया पेपर से द हिंदू, अगर आप ऑनलाइन चेक करोगे तो द हिंदू में आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। उस आर्टिकल के हेल्प से आप उसको अंडरस्टैंड करके आप अपना एसे राइटिंग लिख सकते हो। आप अगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है जिनके एनवायरमेंटल के रिपोर्ट्स होते हैं, और कौन से कंट्री की क्या हालत है, जैसे कि हाल ही में अभी वर्ल्ड बैंक ने एक एनवायरमेंटल रिपोर्ट रिलीज़ की थी, जिसमें टॉप 20 पोल्यूटेड सिटीज़ है, उसमें टॉप 14 जो टॉप पोल्यूटेड सिटीज़ है वो इंडिया की है। तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। आपको जस्ट गूगल पे जाके वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड एनवायरमेंटल रिपोर्ट चेक करना होगा। द हिंदू पेपर को सर्च करके आपको ये दोनों भी टॉपिक मिल जाएंगे। सीनियर लेवल के लिए भी फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे, उसको आप पढ़ के आपको पता चलेगा कि मतलब इंडिया की अभी फॉरेन पॉलिसी क्या है, कैसी थी और अब कैसे वर्कआउट हो रहा है, और क्या चेंजेस होने चाहिए, और ये क्यों ज़रूरी है जो हमारे हमारे जो पड़ोसी कंट्री है उनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे होने क्यों ज़रूरी है। तो ये सब आपको द हिंदू और भी जो पेपर्स है, जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस, बट मैं रेफर करूँगा आपको द हिंदू,
वहाँ से आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे, आप रीड कीजिए, उसके ऊपर ऐसे बनाइए और सेंड कीजिए। आपको प्राइस मिलता है तो भी अच्छा है, नहीं भी मिलेगा तो उससे आपको एक कोई भी चीज़ करना, उससे आपको कहीं ना कहीं तो सीख मिलेगी और इससे आपको फ़ायदा ही होगा। तो आई होप इट्स लाइक यू, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड टेक अ पार्टिसिपेट। थैंक यू।